नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आरिफ अख्तर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, दिल्ली एनसीआर से। आज का जो हमारा पेशेंट अवेयरनेस ब्लॉक है, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे पेनाइन कैंसर या पेनिस का कैंसर। तो इसमें हम कुछ मुख्य तत्वों पर बात करेंगे, जिसमें मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है ये किन में होता है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और उसके इनिशियल साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। और हमारे जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा, वीडियो ब्लॉग जो पेशेंट अवेयरनेस सीरीज का होगा, उसमें हम बात करेंगे कि इसकी डायग्नोसिस या उसके ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं और क्या फिजिबिलिटी होती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं पेनाइन कैंसर या कैंसर ऑफ पेनिस के कॉज एंड उसके रिस्क फैक्टर्स पे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेनाइन कैंसर जो होता है ये 50s के बाद होता है, मतलब जो उम्र होती है मर्दों की वो जनरली 50s के बाद, मतलब हायर एज ग्रुप। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स क्या है, ये किन में ज्यादा हो सकता है या कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स जिनकी वजह से पेनाइन कैंसर डेवलप हो सकता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है उनमें कुछ चुनिंदा रिस्क फैक्टर्स हैं, बट ये इसका मतलब ये नहीं होता कि जिनके पास ये रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें पेनाइन कैंसर होगा ही। दीज आर नॉट प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस, बट इट कैन प्रीडिस्पोज टू कैंसर ऑफ द पेनिस। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेड रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। Now, human papilloma virus infections generally males में नहीं होता, और ये जो होता है वो transmit होता है females से males में, खासकर उन मर्दों में जिसमें multiples और varied sexual partners हो। दूसरा जो most important risk factors है वो है उम्र। उम्र generally इन मर्दों की generally 60 साल से ऊपर की होती है, और ये smokers होते हैं, तो smokers में generally cancer of the penis ज़्यादा पाया जाता है। ये उन मरीजों में भी ज्यादा होता है जिनमें इम्यूनिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब या तो कुछ ऐसी दवाएं ले रहे हैं जिससे इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, या कुछ ऐसी डिजीज है जैसे HIV या एड्स। उसी तरह ये उनमें बहुत ज्यादा पाया गया है जिनमें सर्कमसीजन नहीं होता। इसमें जनरली ये पाया गया कि विचुअल सर्कमसीजन अगर इन्फेंसी के दौरान, मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसके तुरंत बाद ही करा दिया जाए, तो उसमें जो कैंसर है वो पेनिस का उसके इंसिडेंस कम पाया गया, तो ये प्रोटेक्टिव भी होता है। उसी तरह एक और कंडीशन होती है जिसके बारे में डिटेल बात करी थी, जिसमें फाइमोसिस होती है कि स्लिंग के जो ऊपर वाली चमड़ी होती है वो पीछे रिट्रैक्ट नहीं करती। तो ऐसे कंडीशंस में भी अंदर उस स्किन के नीचे कुछ फ्लूड्स जमा हो जाते हैं और उसके बाद उसमें इन्फेक्शन या इरिटेशन शुरू हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर लोकल हाइजीन बहुत ही पुअर है, उस कंडीशंस में भी दे आर इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर कैंसर ऑफ द पेनिस। कुछ केमिकल इरिटेंट्स भी पहले हम मानते थे कि वो भी एक रिस्क फैक्टर्स है, बट उसका कुछ ठोस हमें सबूत नहीं मिला है। दूसरी चीज़ होती है कि कुछ ऐसे स्किन कंडीशन होते हैं जिसमें हम कुछ क्रीम्स या अल्ट्रावायलेट थेरेपी करते हैं, जैसे सोरेलिन क्रीम्स होते हैं या अल्ट्रावायलेट बी थेरेपी होती है, जैसे सोरियासिस एक स्किन कंडीशन है जिसमें कैंसर ऑफ द पेनिस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये रिस्क फैक्टर्स हैं।